आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से जुड़े हुए बहुत ही सच्चे साधक पंडित मधु मुदगल जी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा कोई परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत से ही बहुत सारी बातें निकलती जाएंगी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, जैसा मैंने कहा कि हम लोग का परम सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा हम लोग तकनीक के सहारे जुड़ रहे हैं, आमने सामने बैठ के बातचीत करते तो और ज्यादा मजा आता। और जाहिर सी बात है, जब आप जैसे कलाकार से बातचीत का मौका मिलता है तो लगता है कि एक एक पूरे अध्याय को समझ लिया जाए। मैं आपके इंटरव्यू में बचपन में जाने की बजाय या बचपन के किसी किस्से को सुनने की बजाय ये समझना चाहूंगा कि आपका बचपन एक मायने में बहुत खास रहा होगा। देश के बड़े बड़े कलाकारों का आपके घर आना जाना रहा होगा निश्चित तौर पर, और वो जो एक तालीम बगैर कहे बगैर सुने देखकर मिलती है वो आपको मिली होगी उन बड़े कलाकारों से, उसको कैसे देखते हैं और कैसे याद करते हैं? देखिए, हमारे संगीत पे या किसी भी कला जगत में संस्कारों का बहुत महत्व है। तो जो ये संस्कार मुझे बचपन से मिले हैं, इसका मुझे मतलब बहुत इसको फायदा लाभ क्या बोलेंगे, तो पर शब्द तो छोटे ही पड़ते हैं मुझे, मतलब बहुत उसका मेरे पे असर हुआ। और जिसको संस्कार मिलते हैं उसके लिए आगे जाने में आसानी होती है। जिसके घर में जैसे अगर संगीत ना हो और उसको जब संगीत सीखना पड़ता है तो उसको एक दो पीढ़ी आके फिर वो रंग आता है। मुझे ये किस्मत है, मेरी सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में पैदा हुआ, ऐसा वातावरण मिला मुझे, उसका मुझे बहुत बहुत ही लाभ हुआ। चाहेंगे अगर कुछ कलाकारों को आप बताएं याद करके कि बचपन में कौन से कलाकार थे जो घर आते थे, तो और ज्यादा समझने में आसानी होगी हमें। देश के दिग्गज कलाकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, पंडित नारायण राव व्यास जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, कुमार गंधर्व जी, प्रोफेसर बी आर देवधर, विद्वान लोग भी आते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब, सितार के जो उस्ताद, ये सब लोगों का कार्यक्रम हमारे आंगन में होता था पंडाल लगा के। उन दिनों दिल्ली बिल्कुल ही डेजर्ट था, तो कल्चरल कार्य मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम होते ही नहीं थे कहीं। वो पिताजी ने वो शुरू किया था और वो हमारे प्रांगण में होता था। तो बचपन में ऐसे सुनते सुनते बड़े बड़े कलाकारों को मैं अम्मा की गोदी में सो जाता था, वो मुझे याद है। और ये उनका असर है। और भी बड़े कलाकार आए, एक बार पंडित विनायक राव पटवर्धन जी का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही नीचे से जीने से गाते हुए आ रहा था कुछ मल्हार की ऐसी सरगम, मेरे मुँह में बुलाया कि भी आवाज अच्छी है, गाना जरूर सीखना। मैंने कहा सिखाइए, पता नहीं था कैसे बोलना होता है ना, अभी भागो यहाँ से। एक ऐसी अंदाज में लोगों को बोला आवाज ठीक है तो गाना सीखना जरूर, ऐसे उन्होंने। ये सब उन दिनों का वातावरण है सर। और एक चीज टेबल गेम जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, नहीं नहीं आप अपनी बात। अब अलग अलग प्रकार के जो ऑर्केस्ट्रा होता था, नाट्य बैले होते थे, उसका मुझ पे बड़ा असर पड़ा। बच्चन जी का मधुशाला, वो हमारे रिहर्सल वहीं प्रांगण में होती थी, अमिताभ जी भी आए थे उसमें मुझे याद है। तो वो सबका कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह कैसे कंपोज होना, ये कंपोजिशन का भी मेरे पे बचपन में बहुत असर पड़ा पिताजी के थ्रू। ये उसका अलग लाभ मिला मुझे। पंडित जी, मुझे एक इंटरव्यू आपका जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, 20-22 बरस हो गए हालांकि एक कार्यक्रम में हमारे आपके आपकी उपस्थिति हुई थी, और मुझे याद है आपने बताया था कि आपने सीखना बहुत लेट शुरू किया, मतलब 16-17 साल की आपने उम्र में, जिसको कहना चाहिए कि गंभीरता से उस तालीम की तरफ आप गए। इतने बड़े परिवार में संगीत के जन्म लेने के बाद ये फैसला लेने में थोड़ी देर हुई क्या आपको लगता है? नहीं, आप ठीक कह सकते हैं कि ये थोड़ी देर हुई जरूर, पर ये नहीं था कि पहले नहीं सीख रहा था। मुझे तो विद्यालय में क्लास होती है वगैरह, उसके तो मैं चलता ही था, मेरा घर पिताजी से भी अलग चलता था तालीम। बट ये जरूर है कि मैं और चाहता था कि
अच्छा अभी ये चाहता हूँ कि पहले और शुरू किया होता तो और अच्छा था, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर ये नहीं था उस टाइम, कुछ नहीं चल रहा था, सब सीखना अलग ढंग से चल रहा था, बट जब सीरियसली मैंने सोचा वो 16-17 से आप ठीक कह रहे। मैं रामगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा, जो खासतौर पर दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो गंधर्व महाविद्यालय है उसकी, उसके संस्थापक मधुब जी के पिताजी पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम वो रहे, और यही वजह है कि पंडित जी जिक्र कर रहे हैं कि प्रांगण में बहुत सारे कार्यक्रम बचपन में देखने को मिलते थे और संगीत के जिन बड़े बड़े कलाकारों का उन्होंने नाम लिया उनका आना जाना था। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा पंडित जी आपसे कि मतलब ये सवाल बहुत से लोगों से मैंने पूछा है लेकिन आप जैसे वरिष्ठ कलाकार से पूछ के शायद कुछ नया हासिल हो, पिता और गुरु एक ही व्यक्ति में जब हो, मतलब जो शुरुआत में तालीम भी दे रहे हैं और जिनको पिता का भी अधिकार है, तो कहीं कोई पक्ष ऐसा होता है क्या कि जो थोड़ा कमजोर हो जाता हो या थोड़ा ओवर शैडो कर जाता हो, पिता कभी कम हो गए हो, गुरु ज्यादा हो गए हो, या गुरु कम हो गए हो पिता ज्यादा हो गए हो? हाँ, मैं पिताजी से जो शुरू में सीखा ज्यादा नहीं सीख पाया, उसका भी मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैं ज्यादा सीखता, फिर उसके बाद फिर ठगा जी से, वसंत ठगा जी से सीखना हुआ वो, पर वो उन्होंने मुझे ग्वालियर के जो अभ्यास का तरीका है वो शुरू से सीखा था मैंने, पलटे भैरव तोड़ी में राग में ये सब पहले सीखा था। हाँ, बट ये था जरूर कि क्योंकि घर में ही होता है तो थोड़े फ्री ज्यादा हो जाते हैं गुरु, और जो आपने बोला ना कि गुरु और वो थोड़ा फर्क वो तो होता ही है, इसलिए जब दूसरी जगह सीखने गया तब बिल्कुल वातावरण फर्क। अच्छा, संगीत तो एक कलाकार जिस परिवार से आप आते हैं वहां तो संगीत, जैसा आपने कहा भी कि माँ की गोद में सो जाते थे और संगीत चलता रहता था, तो वो तो आप अप्रत्यक्ष तौर पर सीख ही रहे थे, लेकिन संगीत के अलावा भी पंडित जी बहुत सारी चीजें बड़े कलाकार बड़े गुरु अपने आप सिखा जाते हैं, जो जीवन के बहुत बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं, जीवन की बहुत बड़ी सीख होती हैं, ऐसी कौन सी चीजें संगीत से इतर आप सीख पाए इस परिवार में जो अब आपको लगता हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थाती है, वो और किसी के पास नहीं या उनके पास नहीं हो सकती जो किसी संगीत परिवार से ना आते हो? नहीं, ये तो खैर सबका ही हो सकता है, पर मुझे जो एक ऑनेस्टी सिंसियरिटी जो हार्ड वर्क ये पिताजी से मिला, माताजी से मिले, उनकी वैल्यूज मिली ऑनेस्टी की, ये बहुत, मैं बहुत इसको सौभाग्य मानता हूँ। और मेरे मौसा जी TN देव साहब, वो मुझे बचपन में, मैं उनके घर जाता था, मेरे भाई वहाँ रहता था, तो वो अलग संस्कार देते थे, विवेकानंद जी की किताबें नेशनल म्यूजियम ले जाना, हमें एक ये अलग संस्कार वहाँ से मिले, ये बचपन का संगीत से अलग जो ये भाग है वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाभ मिला उसका। आपको तो जसराज जी से सीखने का मौका भी मिला, और एक बार मुझे याद है जसराज जी दिल्ली में थे और मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, तो आपको लेकर बातचीत हो रही थी और बहुत स्नेह उनकी बातों से आपके लिए दिख रहा था, कैसे याद करते हैं उनको गुरु के तौर पर भी और एक कलाकार के तौर पर भी? दोनों ही रूप में मुझे बहुत बहुत श्रद्धा है, बहुत मेरे प्रिय थे वो, और उनका थोड़ा सा एक अलग भी था कि वे काफी मतलब करीब, जैसे दोस्ती जैसी भी थी, मतलब दूरी होके भी दोस्ती थी, मजाक का हमें बहुत वो चलता था, उनको हंसाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मजाक जैसे कॉपी करता था मैं कई आर्टिस्टों की और उनको फिर दिखाता था, बहुत ही खुश होते थे, और वो उनको हंसी देख के मुझे बहुत खुशी मिलती थी भाई कि हंसा पाया उनको, और उनसे एक बहुत चीजें सीखने को मिली कि स्टेज पे मैं उनके साथ बैठता था, अलग अलग संगत कलाकारों के साथ कैसे निभाना है स्टेज पे, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं कैसे वो उसको सॉल्व कर लेते थे उसी टाइम, ये बहुत सारी स्टेज की चीजें मुझे पंडित जी से सीखने को मिली, और उनका एक इतर लगा देते हिना का, वो मुझे उनका सूटकेस वो खोलते थे तो उसमें से ही आती थी खुशबू, और वो शौक मुझे भी है, मुझे आजकल भी खुशबुओं के शौक अभी भी है।
हालांकि बाद के दिनों में जब वो कोई बहुत तेज परफ्यूम लगा के जाए या डिओड्रेंट लगा के जाए तो बहुत तेज झड़कते भी थे उनको, अजीब सी जो जी आप कुछ कहना है। वो पहले वो खुद लगाते थे और बाद में उनको सहन नहीं होता था कोई भी, जैसे तंबाकू की खुशबू, सिगरेट की तेज कोई खुशबू लगा के तो उनको बाद में बिल्कुल नहीं पसंद, नाराज हो, मुझे भी नाराज हुआ एक बार, ये क्या लगाया तुमने, ये था उनका, पहले नहीं था, पहले वो खुद लगा देते थे। वो डांट दरअसल मुझे भी पड़ी है इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं पहुंचा और जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने कमरे में घुसने का, क्या लगा के आ गए हो तुम, दूर बैठो। नहीं बिल्कुल, बाद में स्ट्रिक्ट हो, इससे बहुत उनको तकलीफ होती थी। अच्छा पंडित जी, एक और जिनकी भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ी पहचान है और जो जिनको गुरु के तौर पर आपका, आप उनके साथ जुड़े और हम सब उनको जानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं और बहुत आदर करते हैं, पंडित कुमार गंधर्व जी का, उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि उनकी गायन की बहुत सारी छाप भी आप पर दिखाई देती है, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए, खास बातें जो आपको एक छाप की कहना बहुत छोटा है, मतलब पूरा ही, मतलब देखिए एक जो मैं एक सीख रहा था एक ढंग से, उसके बाद जैसे उनके पास गया, मतलब गया ऐसे नहीं गया, उनके संगीत सुन सुन के मुझे बहुत आकर्षण हुआ, फिर धीरे धीरे मौका मिला, 5 साल केवल तानपुरा बजाया उनके पीछे, फिर सीखने को मिला, तो जो वो सीखना है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आनंद मतलब वो कहीं नहीं है, वो आनंद सीखने को उनसे मिला। राग में पहले भी आते थे, रागों का मुझे पहले से सीखा हुआ था, पर जो राग दर्शन उन्होंने करा, जो राग का गहन और सूक्ष्म दर्शन उन्होंने कराया है, वो मुझे कहीं नहीं मिला, वो वही राग पहले भी सीखा हुआ है, वही राग उसी राग में इतना ज्यादा आनंद छिपा हुआ है, इतना ज्यादा उसके, इतना ज्यादा कुछ उसमें खुशी थी, वो क्या क्या मैं बता नहीं सकता उसको समझाना, बट राग रूप का ऐसा दर्शन और कहीं मुझे दिखा नहीं है, तो केवल संगीत में ही नहीं, वो तो जीवन कैसे पूरा बिताना है ये भी मुझे सब बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, और रोज ही तकरीबन किसी ना किसी रूप में वो याद आते हैं, जब प्रैक्टिस होती है या वो तो कुछ तो होता ही है, विचारों में भी कुछ उनकी जो सीख होती है वो सब रोज याद आती है, क्योंकि जो बहुत महान व्यक्ति होता है वो फिजिकली चाहे चले भी जाए पर वो विचारों के साथ आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहता है, और आज 12 जनवरी को जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है आज उनकी पुण्यतिथि भी। वो तो कहते भी थे कि राग को 360 डिग्री से देखना चाहिए, राग को चारों तरफ से देखिए तो राग एकदम नया दिखाई देता है, बल्कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि उनका, किसी को हाथी की पूंछ दिखाई देती है, किसी को हाथी की सूंड दिखाई देती है, मैं हाथी को चारों तरफ से देखता हूं, तो संभवतः उसी तालीम का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल जी, प्रोफाइल कह देते हैं, प्रोफाइल से भी देख सकते हैं अलग अलग ढंग से राग, मतलब तुम एक ही नजर से क्यों देखते हो, और वो सब नजर आपको अलग अलग बंदिशों से मिलती है, इसीलिए राग में अलग अलग प्रकार की बंदिशें होती हैं, अगर ऐसा रूप नहीं दिखना था तो एक एक दो बंदिश से ही हो जाना था, इसलिए अलग अलग कलाकारों ने अपने क्यों इतने रचनाएं करी, जितनी ज्यादा बंदिशें होंगी आपको उतना राग रूप आपका रिच होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें, इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।